कहते हैं राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई किसी का सगा नहीं होता। यहां सत्ता के लिए भाई भाई का, पिता पुत्र का और कभी कभी माँ भी अपने बेटे की नहीं होती। यहां एक ऐसी जगह है जहां हर गली, हर मोड़, हर चौक चौराहे नहीं बल्कि एक ही छत के नीचे एक दूसरे के दुश्मन पल रहे होते हैं। दुनिया का राजनीतिक इतिहास ऐसी कहानियों से भरा हुआ है, लेकिन इसी दुश्मनी और षड्यंत्र भरी राजनीति के दलदल में एक ऐसा राजनेता भी था जिसे दुनिया अजातशत्रु के नाम से जानती थी। अजातशत्रु का अर्थ है जिसका कोई शत्रु ना हो। वो कहते हैं ना, कमल कीचड़ में ही खिलता है, और राजनीति के कीचड़ में खिलने वाले कमल को विश्व के इतिहास में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जाना जाता है। राजनीति जैसे जटिल क्षेत्र में रहते हुए भी अटल जी बहुत ही स्पष्ट और सरल व्यक्तित्व के मालिक थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर उनके आखिरी समय तक जो भी उनके आसपास रहा उसने अटल जी की सादगी और स्पष्टवादी व्यक्तित्व की प्रशंसा की। पक्ष प्रतिपक्ष हर दल में उन्हें आदर और सम्मान की नजर से देखा जाता था। जैसा कि वे खुद कहते थे, लोगों के बीच मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, और यह वाक्य उनके व्यक्तित्व पर 100% खरा साबित होता है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को शिंदे की छावनी ग्वालियर रियासत में हुआ। उनके पिता पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश में आगरा जनपद के प्राचीन स्थान बटेश्वर के मूल निवासी थे, और माता का नाम कृष्णा वाजपेयी था। पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर में अध्यापक होने के साथ साथ हिंदी व ब्रज भाषा के सिद्ध हस्त कवि भी थे। यही कारण है कि अटल जी को कविता विरासत में मिली, और एक सफल राजनेता होने के साथ साथ वे अच्छे कवि के तौर पर भी जाने गए। अटल जी की बीए की शिक्षा ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज अर्थात वर्तमान में लक्ष्मीबाई कॉलेज में हुई। छात्र जीवन में ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने। उन्होंने कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीति शास्त्र में एमए की परीक्षा पास की, और उसके बाद अपने पिताजी के साथ कानपुर में ही एलएलबी की पढ़ाई प्रारंभ की, लेकिन उन्हें यह पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्देशन में उन्होंने राजनीति का पाठ पढ़ा तथा पांचजन, राष्ट्रधर्म, दैनिक स्वदेश और वीर अर्जुन जैसे पत्र पत्रिकाओं के संपादन का कार्य भी कुशलतापूर्वक करते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे वक्ता थे जिन्हें जनता ठंडी, गर्मी, बारिश और धूप की परवाह किए बिना घंटों खड़े होकर सुना करती थी। ऐसा ही एक वाकया जनवरी 1977 में घटा। दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी नेताओं की एक रैली थी जिसमें अटल जी का भी भाषण होना था, और लोग दूर दूर से उन्हें सुनने आए थे। अटल जी की बारी आते आते रात के 9:30 बज चुके थे। ठंड अपने उरूस पर थी और बीच बीच में बूंदाबांदी भी हो रही थी। अटल जी के मंच पर खड़े होते ही हजारों लोग खड़े हो गए। तब अटल जी ने दोनों हाथों से जन समूह को शांत होने का इशारा किया, अपनी आंखें बंद की और एक मिसरा पढ़ा। बाद मुद्दत के मिले हैं दीवाने। ये सुनते ही लोग आपे से बाहर हो गए और तालियों से पूरा रामलीला मैदान गूंज उठा। अटल जी ने फिर से आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और अगला मिसरा पढ़ा। कहने सुनने को बहुत है अफसाने। इस बार तालियों की गड़गड़ाहट कई गुना और बढ़ गई। उस समय सरकार ने इस कार्यक्रम को असफल करने के लिए दूरदर्शन पर बॉबी फिल्म चलाई थी ताकि लोग इस रैली में शामिल न हो सके, लेकिन वो अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों का जादू ही था जो लोगों के सर चढ़कर बोला करता था, और जिसकी वजह से लोगों ने उस समय की सुपरहिट फिल्म को देखने के बजाय अटल जी को सुनना पसंद किया। वाजपेयी 1942 में राजनीति में उस समय आए जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके भाई 23 दिनों के लिए जेल गए। 1951 में आरएसएस के सहयोग से भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन हुआ, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेताओं के साथ अटल बिहारी वाजपेयी की अहम भूमिका रही।
वर्ष 1952 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, पर सफलता नहीं मिली। वे उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में उतरे थे, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जैसा कि उन्होंने अपनी एक कविता में कहा था, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल में लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी को पहली बार सफलता 1957 में मिली थी। 1957 में जनसंघ ने उन्हें 3 लोकसभा सीटों लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर से चुनाव लड़ाया। लखनऊ में वे चुनाव हार गए, मथुरा में उनकी जमानत जब्त हो गई, लेकिन बलरामपुर संसदीय सीट से चुनाव जीतकर वे लोकसभा पहुंचे। वाजपेयी के असाधारण व्यक्तित्व को देखकर उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आने वाले दिनों में यह व्यक्ति जरूर प्रधानमंत्री बनेगा। जब चुनाव जीतने के बाद अटल जी लोकसभा पहुंचे और उन्होंने संसद में अपना पहला भाषण दिया, तब नेहरू जी उनसे मिलने आए और कहा, यह रामलीला मैदान नहीं है, संसद भवन है, इसलिए जरा तैयारी करके आया करो। उस दिन के बाद से अटल जी हमेशा अपना होमवर्क करके जाया करते थे। उनके भाषण इतने प्रभावशील होते थे कि जिस दिन संसद में अटल जी का भाषण होता, उस दिन उन्हें सुनने के लिए पूरा संसद भरा होता था। अटल जी जब विदेश मंत्री बने, तब किसी ने साउथ ब्लॉक से पंडित नेहरू का पेंटिंग हटा दिया, जो पहले वहां हुआ करती थी। अटल जी ने वह पेंटिंग पहले वहां देखी थी। उन्होंने वहां के व्यवस्थापकों से पूछा, यहां पंडित जी की तस्वीर हुआ करती थी, वो क्यों नहीं है? किसी ने इस बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन अगले दिन वहां पर पंडित नेहरू की तस्वीर फिर से चुपचाप लगा दी। 1971 के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी और अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष। उस समय इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन आज का बांग्लादेश, जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा था। और इस युद्ध में भारत ने पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को आज के पाकिस्तान से आजाद कराने की ठानी। इंदिरा गांधी के इस फैसले पर विपक्ष ने इसका विरोध करना चाहा। उनका कहना था कि हमें अपने देश की समस्याओं को देखना चाहिए, लेकिन अटल जी ने कहा, देश पहले है और राजनीतिक मतभेद बाद में। हमें ऐसे समय में देश की प्रधानमंत्री का साथ देना चाहिए। और इस तरह पूरा विपक्ष 1971 की लड़ाई में इंदिरा जी की सरकार के साथ खड़ा रहा। वो मानते थे कि जब देश की बात आए तो सभी मतभेदों को एक किनारे रख हमें कदम मिलाकर चलना होगा। जिस दिन सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा का सूत्रपात हुआ और अडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा करने का फैसला किया, तो अटल जी ने संख्या बल के सामने अपना सर झुका दिया और उन्हें जाने की अनुमति दे दी, लेकिन वे स्वयं इस यात्रा में शामिल नहीं हुए। उन्होंने इस मौके पर एक और बात कही जो गौर करने लायक है। वे बोले, आप लोग अयोध्या जा रहे हैं, लंका नहीं, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। ये अटल जी का व्यक्तित्व और उनकी उदारता का परिणाम ही था कि लगभग बीसियों पार्टियां जिनकी विचारधारा बिल्कुल अलग थी, इसके बावजूद वे अटल जी के साथ आईं और उनकी सरकार में शामिल हुई। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रिजेश मिश्र बताते हैं, एक बार अटल जी तुर्की के प्रधानमंत्री से मिले और बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा कि आपकी सरकार में कितनी पार्टियां हैं। इस पर अटल जी ने जवाब दिया, कल तक तो 23 थी, लेकिन अभी कितनी है मुझे पता नहीं। जब राजीव गांधी की हत्या हुई तो अटल जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने एक पत्रकार को बहुत भावुक स्वर में बताया कि अगर राजीव गांधी न होते तो मैं आज जिंदा नहीं होता। उन्होंने बताया कि मैं किडनी की समस्या से ग्रस्त था और अपने देश में इसका सही इलाज संभव नहीं था। इसके इलाज के लिए अमेरिका जाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं थे। ये बात किसी तरह राजीव गांधी को पता चली तो उन्होंने अगले दिन मुझे अपने दफ्तर बुलाया और कहा, संयुक्त राष्ट्र के लिए एक दल अमेरिका जा रहा है और मैं चाहता हूं कि आप भी इस दल में भारत का प्रतिनिधित्व करें।
अटल जी ने इस बात के लिए हामी भर दी। तभी राजीव जी ने उन्हें कहा, आप वहां अपना इलाज कराना भी मत भूलिएगा। एक बार एक महिला पत्रकार ने अटल जी से पूछा, आप कुंवारे क्यों हैं? अटल जी ने कहा, एक आदर्श स्त्री की तलाश में। पत्रकार ने पूछा, मिली या नहीं? अटल जी बोले, मिली तो थी, लेकिन उसे भी एक आदर्श पुरुष की तलाश थी। और हंसने लगे। जब एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए पर्चा भर रहे थे, तब अटल जी ने मजाक के तौर पर उनसे कहा, आप भी मेरी तरह कवारे हैं, अब दोनों कमारे मिलकर देश चलाएंगे। इस बात पर कलाम साहब ने हंसते हुए जवाब दिया, प्रधानमंत्री महोदय, मैं कवारा भी हूं और ब्रह्मचारी भी। इसके बाद दोनों ठहाका मारकर हंसने लगे। 1994 में नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे और उस समय पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ काफी कुछ बोला और एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की। ऐसे में उन्हें जवाब देने के लिए नरसिम्हा राव ऐसा प्रतिनिधि भेजना चाहते थे जो भारत सरकार की बात को संयुक्त राष्ट्र में प्रभावी तरीके से रख सके। ऐसे में उन्होंने विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को चुना और अटल जी ने संयुक्त राष्ट्र में भारत सरकार का ऐसा पक्ष रखा कि पाकिस्तान चकरा गया। उन्होंने कहा, ये कौन है? ये तो विपक्ष का नेता है, इसे तो सरकार की आलोचना करनी चाहिए, लेकिन ये सरकार का पक्ष रखने आया है। उन्होंने कहा, ये कैसा लोकतंत्र है? यहां पर सरकार को अपने नेताओं से ज्यादा विपक्ष के नेता पर भरोसा है। यहां अटल जी का एक भाषण याद आता है जो उन्होंने संसद में दिया था। उन्होंने कहा था, सत्ता का खेल तो चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी और बिगड़ेंगी, मगर यह देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। उनके बारे में विरोधी दल के नेता हमेशा कहा करते थे, अ राइट मैन इन अ रॉन्ग पार्टी। एक लंबी बीमारी के बाद 16 अगस्त 2018 को उन्होंने अंतिम सांस ली और भारतीय राजनीति में ऐसा निर्वात उत्पन्न हो गया जिसे शायद कभी नहीं भरा जा सकता। अटल जी के बारे में क्या कहूं, अद्भुत व्यक्ति थे, अद्भुत उनकी लाइनें थी, अद्भुत। जब वो कुछ बोलते थे तो लगता था कि पूरा समा रुक जाता था, पूरा दुनिया रुक जाती थी। कुछ चंद लाइनें हैं उनकी कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अटल जी का व्यक्तिगत कुछ ऐसा ही था, स्पष्ट, निडर और अटल। अटल जी जो ठान लेते थे वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से काम करते थे, उसमें कोई चेंज नहीं होता था। प्रोफेशनल वर्क की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन एक इंसान के रूप में, एक व्यक्तित्व के रूप में उतना ही सरल, उतना ही सौम्य, उतना ही पारिवारिक, उतना ही घरेलू थे। मुझे सौभाग्य था उनसे मिलने का, मुझे कई बार सौभाग्य था उनसे मिलने का, बात करने का। इनफैक्ट एक वाकया मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। हम सारे गांव वाले चैंप का फिनाले कर रहे थे, 2005 की बात कर रहा हूँ दोस्तों। उन्होंने सभी बच्चों को घर बुलाया था, मुझे याद है संचिता, मुझे याद है दिवाकर, मुझे याद है पूरी टीम। हम लोग गए थे घर पर, हम लोग के साथ बैठ के खाना खाए थे। जितने ही वो मतलब सरल थे, जितने ही वो महान थे, कभी हमको एहसास भी नहीं होने देते कि इतने बड़े व्यक्ति जो हैं, इतने बड़े मतलब प्रतिभा के धनी व्यक्ति जो हैं। हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमें उनसे मिलने का मौका मिला। उनकी कुछ चंद लाइनें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। मैं मुझे मतलब सुन करके, बात करके रोमांचित महसूस करता हूँ कि मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूँ, लौट कर आऊँगा, कुछ से क्यों डरूँ। मौत की उम्र क्या है, तो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आजकल की नहीं, जिंदगी सिलसिला आजकल की। थैंक यू सो मच अटल जी। हम पूरी टीम के तरफ से, पूरे साइबाबा की टीम की तरफ से मैं नतमस्तक हूँ, आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे इतना अमूल्य समय दिया था, अमूल्य टाइम दिया था, और पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व को आपने मतलब ऐसा कुछ दिया है जो आने वाली नस्लें, आने वाली जनरेशन आपको हमेशा हमेशा याद करेंगे। थैंक यू सो मच। क्या खोया,
क्या पाया जग में मिलते और बिछड़ते मग में मुझे किसी से नहीं शिकायत यद्यपि चला गया पग पग में एक दृष्टि बीती पर डाले यादों की पोटली टटोले अपने ही मन से कुछ बोले पृथ्वी लाखों वर्ष पुरानी जीवन एक अनंत कहानी पर तन की अपनी सीमाएं यद्यपि सा शरदों की वाणी इतना काफी है अंतिम दस्तक पर ही दरवाजा खोले अपने ही मन से कुछ बोले अपने ही मन से कुछ बोले अपने ही मन से कुछ बोले।